गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुलमोहर का बहुत ही खूबसूरत फूल जो कि मेरे घर के आगे में है, रोड साइड में है, और जिसके फूल हमारे घर में आता है, उसका ब्रांच हमारे घर में आया हुआ है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आइए, आज आपको मैं अपने मायके की सैर कराती हूँ, कैसे कैसे पौधे हैं, कौन कौन से पेड़ हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। फ्रेंड्स, ये है मेरा मायके का घर, और यहाँ कुछ फूलों के पौधे भी हैं, और ज़्यादातर तो फलों के ही पौधे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी सी तुलसी चौरा के साथ, यही मेरी भाभी पूजा करती है, मेरी माँ तो नहीं रही अब इस दुनिया में, और बड़ा सा तुलसी। और ये मेरा एडेनियम, इनका मेरे माँ के गार्डन में एडेनियम का पौधा, और इधर देखिए तो अनार का एक बहुत बड़ा सा पौधा है, जिसमें कि धीरे धीरे कलियां आने लगी हैं, ये देखिए। और ये सारे ज़मीन में लगे हुए हैं, ये बेल का बहुत ही बड़ा हो गया है पौधा, जो कि देखिए इसकी टहनियां काफ़ी ऊंची हो गई हैं। और इधर देखिए तो मिर्च का एक पौधा है, और इधर देखिए एक अमरूद का पौधा है, सारे में फ्रूटिंग होती रहती है। और ये फ्लावर का भी एक है, डबल चांदनी का, और ये नींबू का एक पौधा है, जो कि काफ़ी नींबू इसमें लगते हैं, काफ़ी फल लगते हैं, और सालों भर इसमें कुछ न कुछ फल लगे ही रहते हैं। ये लंबा वाला है और बारहमासी पौधा है, जो कि सालों भर इसमें फल लगे रहते हैं, करी पत्ता का पौधा। ये देखिए बहुत बड़ा सा नींबू का पौधा है, ये बहुत हम लोगों के बचपन से ही ये लगा हुआ है, और अभी तक है, कुछ डालियाँ टूट गई, कुछ नहीं निकली, लेकिन बना हुआ है अभी तक, सैकड़ों फल इसमें लगे हुए हैं, और नींबू की कमी का एहसास नहीं होने देते ये सालों भर लगने वाला नींबू का पेड़। ये ग्राउंड में ही लगा हुआ है, इसलिए इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है, लो मेंटेनेंस में चलने वाला ये नींबू का पौधा काफ़ी फ्रूटिंग करता है। ये बहुत ही अच्छा नींबू का पौधा है। और इधर ये पीछे का गार्डन है हमारा, इसमें आम के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, अभी फ्रूट से लदा हुआ है, लेकिन इतने ऊंचे फल हैं कि दिखाई नहीं देता। इधर देखिए ये गिरा है आम का, आम एक पका हुआ, अभी तो आम के पकने का समय है, तो धीरे धीरे वो गिरते रहते हैं। और एक शरीफा का पौधा है, और इधर एक केले का पौधा है, ये शरीफा का पौधा है, ये देखिए कितना बिग साइज का है, ये कम से कम 3 मंजिल ऊंचा हो गया है, इसमें से आम तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतने ऊंचे हैं, और आम लगे हुए हैं, फिर भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि इतना ऊंचा से कैमरा का ये नहीं है। इधर देखिए ये इसकी डालियाँ काफ़ी फैली हुई हैं, और ये शरीफे का पौधा भी काफ़ी पुराना है, कम से कम 15-20 साल पुराना ज़रूर होगा। और ये केले का पौधा, और ये देखिए सूरन का पौधा है, जिसको हम लोग अपने बिहारी भाषा में ओल बोलते हैं, ये भी काफ़ी फैल गया है। और ईख है, शुगर केन जिसको कहते हैं, हम लोग ईख बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं। और इधर देखिए आम के गिरने से कितने सारे छोटे छोटे पौधे निकल गए हैं, आम की गुठली से नए नए पौधे हो गए हैं बहुत सारे, तो पूरा नीचे का एरिया, आम के नीचे का एरिया पूरा आम के पौधों से भर गया है। ये देखिए एक और आम मिला मुझे ऊपर से गिरा हुआ, ये देखिए जंगली कुछ घास भी उगे हुए हैं, और देखिए आम के पौधे में लिपट कर ये मनी प्लांट कितना बड़ा पत्ता हो गया इसका। ये आगे का पोर्शन है जिसमें गुलमोहर का पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों,
गुलमोहर मुझे बहुत पसंद है, इसके फूल काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं और बंच में निकलते हैं। और ये मेरा घर इंट्रेंस, मेरी भाभियाँ मेरी बहनें, ये इंट्रेंस है, ये यहीं मेरा बचपन बीता है। और दोस्तों कहीं भी चले जाएं, हम अपने धरती को नहीं भूलते, अपने मायके को कभी नहीं भूल सकते हैं, और हम बेटियां तो कभी मायके को नहीं भूल सकती। और इधर ये पीछे का पोर्शन, और देखिए गुलमोहर इतनी खूबसूरती से हमारे घर में खूबसूरती बिखेरता हुआ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। हैप्पी गार्डनिंग।